वर्कर्स कॉलेज में एक नई शुरुआत की गई है। यहाँ पर ओपन एयर लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, जो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर कुछ इतिहास की किताबें रखी गई है। ये कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ ग्राउंड में घूमते रहते थे या फिर अपने क्लासेस का इंतज़ार करते थे। ऐसे में समय बर्बाद ना करते हुए इतिहास का ज्ञान समेटने के लिए इस ओपन एयर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जहां पर स्टूडेंट्स अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ सकते हैं, बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और क्या उन्हें पसंद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। मैम, तो ओपन लाइब्रेरी के लिए बच्चों के लिए अच्छा ही रहेगा कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो फ्री घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। किताब खरीद के आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उसमें आपको, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। यस मैम, कहीं भी अगर फ्री टाइम निकाल के आप पढ़ सकते हैं जब भी मौका मिलेगा। आपने कभी ट्राई किया बुक लेकर कोई पढ़ने? यस मैम, किया है। तो अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, पसंद आ रहा है लोगों को? यस मैम, थोड़ा बहुत मैम, बहुत किसी को ही पसंद आता है, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं चाहता है ऐसा करने के, लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का रहता है थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश करता है, बाहरी नॉलेज उसी के लिए सही है। शत्रुघ्न सिंह मैम, ये सब सारा बुक्स तो लीडर का ऊपर ही बेसिस पे है, तो हम लोग थोड़ा चाहिए कॉमर्स वाला है, हम लोग तो थोड़ा कमर्शियल टाइप का मिलता तो सही रहता, यानी कि वैरायटी ऑफ बुक्स की। हाँ, और वैरायटीज होना चाहिए। तो मैम ठीक है, आर्ट्स जो लिया है उस वैरायटीज़ पे ठीक है, लेकिन साइंस जो लिया है, जो कॉमर्स लिया है, थोड़ा बिजनेस का ऊपर होता सब्जेक्ट तब सही लगता। स्टडी बेस्ड। हाँ मैम, हम लोग सिलेबस अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये सब कहाँ से पढ़ेंगे। हमने ट्राई किया कि कॉलेज में ओपन लाइब्रेरी ओपन हुआ है, इसमें लाइब्रेरी तो अलग से बना हुआ है, और इस ओपन लाइब्रेरी में कॉलेज से हट के जो जैसे बहुत कोई हो गया है बाहर के, कुछ भी मतलब जानकारी होता है इतिहास में क्या क्या है उसके लिए, वो सब वहाँ पर किताब है। पढ़ाई से रिलेटिव का किताब वहाँ पर है नहीं, जो इतिहास में कुछ भी जानकारी के लिए वो लोग बच्चे लोगों के वहाँ पर पढ़ने के लिए है, और जिसके बाद बच्चे लोगों के पास कुछ भी किताब होता है तो वहाँ पर आके बच्चे डोनेट करते हैं। और स्टूडेंट के लिए मैम बहुत अच्छा है, जैसे कि अभी कोई टीचर नहीं आया है, उनका क्लास का टाइमिंग 10 बजे से है, कोई स्टूडेंट का अगर टीचर नहीं आया है तो ये किताब अभी पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। और कॉलेज में स्टूडेंट्स ऐसे बहुत घूमते रहते हैं। हाँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, टाइम पास अच्छा हो जाता है किताब पढ़ने से, ज्ञान भी होता है, इससे अच्छी चीज़ है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का कुछ गाइडलाइंस है, चाणक्य नीति है, जीत आपकी, ये सब अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। तो आप ट्राई किए इसे? हाँ, अभी तो हम ट्राई नहीं, अभी जैसे कॉलेज में आए थे तो फर्स्ट टाइम पढ़े चाणक्य नीति, कुछ अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम हमारे वर्कर्स कॉलेज में ये जो अभी ओपन एयर लाइब्रेरी जो खुली है, इससे हम बहुत ही खुश और प्रसन्न, एक हम लोग में उत्साह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हम एयर के एक मतलब खुले आसमान के नीचे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। और ये जो लाइब्रेरी है ये ज़्यादातर हमारे इतिहास को जताती है, उसके बारे में बताती है कि जैसे हमें हमारी लाइब्रेरी में भी ये बुक्स मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक अलग ही नेचर के साथ हमारे कंटेंट हो जाता है, साथ में हम लोग नेचर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे पढ़ने में भी एक अलग ही मतलब कहा जाए तो सुकून के साथ हम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉलेज के द्वारा ये शुरू हुआ है, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये फर्स्ट कॉलेज है जहाँ पर ओपन एयर लाइब्रेरी बनी है, तो बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग बहुत ही मतलब बहुत, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम यहाँ पे किताबें पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ के ऐसा लगा कि हाँ मैं खुले में बैठ के आराम से बैठ के पढ़ रहा हूँ, हवा है साथ में, अगल बगल का नेचर है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसीलिए कि लइकन जेने उन्हें घूमता है उन्हें घूम कर थोड़ा देरी अपना क्लास नहीं है तो बैठ के आराम से पढ़े घंटा, फिर रिटर्न करके अपना क्लास जाए। स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है? हाँ, कितना लेकिन पढ़ रहा है, कितना घूम रहा है, यही करता है, जितना पसंद है वो पढ़ रहा है मैडम, जिसको नहीं पसंद है हाँ वो नहीं पढ़ रहा है। नाम? दीनानाथ राउत। स्टूडेंट्स अपना आईडी कार्ड दिखा कर? हाँ, आईडी कार्ड दे जमा देता है अपना, रोल नंबर लिखता है और उसको किताब पढ़ता है, और फिर जब दे देता है तो जमा रिटर्न कर देते हैं।
तो ये ओपन एयर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। और यहाँ पर जो एक बात सामने आई कि इसमें आप काफ़ी आसानी से किताब ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लौटा सकते हैं, ऐसे में ये कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही जचता है जो जिनकी क्लासेस नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि ये कॉन्सेप्ट जमशेदपुर में नया है और शायद पहला ऐसा कॉलेज है जहां पर इस तरह से ओपन एयर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जिसकी स्टूडेंट्स काफ़ी सराहना कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ही यहां पर किताबों की वैरायटी और बढ़ेगी ताकि और चाव के साथ स्टूडेंट्स इस ओपन एयर लाइब्रेरी में किताबें लेकर पढ़ाई कर सकें। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।